हरिओम हरिओम हरिओम। हमारे शास्त्रों में दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है। हम क्या करते हैं, रात को दूध पीते हैं, उसके बाद पहले रोटी खाते हैं, बाद में दूध पीते हैं, दो भोजन कर लेते हैं। दूध तो पूर्ण आहार है, उसके साथ भोजन की आवश्यकता नहीं। जब हम भोजन के बाद दूध पीते हैं तो भोजन भी हजम नहीं होता और दूध भी हजम नहीं होता। अगर हम दूध पीना चाहते हैं तो हम भोजन को छोड़ दें, केवल एक गिलास दूध पीजिए, और दूध अपने आप में मीठा होता है, उसके अंदर कोई चीनी या मीठा डालने की जरूरत नहीं होती। ये सारी शर्तें पूरी नहीं होती जैसा मैं बोलता हूँ। माताएं बहनें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं कहते हैं इसको दूध पिलाओ, बच्चा दूध पीता है। गाय खाती घास है, देती दूध है। हम भी हरी सब्जियां फल खा के दूध का लाभ ले सकते हैं। किसी पेड़ पौधे को तोड़ो, किसी पत्ते को तोड़ो, उसमें से दूध निकलता है। माँ प्रकृति हमें ये कहना चाहती है कि अब मैंने दूध जो है वो माँ के दूध की अब तेरे को आवश्यकता नहीं है। छोटे बच्चे को माँ का दूध सबसे बढ़िया खुराक है, इससे बढ़िया कोई फार्मूला नहीं, कोई पैकेट बंद डब्बा नहीं। बड़ों के लिए माँ प्रकृति ने दूध हमें पेड़ पौधों में डाल दिया। पेड़ पौधों के माध्यम से जो सब्जियां और फल मिलेंगे वही हमारा दूध है। और कच्चे नारियल की गिरी, कच्चे नारियल की गिरी इधर ला दें थोड़ा। कच्चे नारियल की गिरी में से जो कद्दूकस करेंगे, उसको निचोड़ेंगे, उसमें से दूध निकलता है और आप नारियल का दूध बना के पी सकते हैं। आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। जो पहले ही वजन ज्यादा है वो तो नारियल का पानी पिएंगे। छोटे बच्चों को दूध पिलाना चाहते हैं, नारियल को बारीक काटिए, मिक्सी में डाल दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए। गर्म दूध पीना है गर्म पानी डाल दीजिए, ठंडा दूध पीना है ठंडा पानी डाल दीजिए, मिक्सी को चला दीजिए। उसके बाद उसको निकाल के चाहे तो छान के पी सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही पी सकते हैं। उसको मीठा करने के लिए आप खजूर डाल दें उसके अंदर थोड़ा, अगर कोई बिना मसाले का गुड़ शक्कर हो तो डाल दें। मेहमान को नारियल का दूध पिला दें, मेहमान पहचान नहीं पाएगा कि आपने गाय का दूध पिलाया या भैंस का दूध पिलाया या नारियल का पिलाया। इसी तरीके से तिल का दूध पीजिए। तिलों के अंदर दूध से बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तिलों को रात को भिगो दीजिए 200 ग्राम तिल, और सुबह वो 200 ग्राम तिल और 1 किलो पानी मिक्सी में डाल के चला दीजिए। उसमें थोड़ा खजूर या गुड़ मीठा डाल के उसको निचोड़ के पीजिए, कितना कैल्शियम मिलेगा। हम इस तरीके से अलग अलग तरह बादाम का दूध, ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग ड्राई फ्रूट रात को भिगो के उनका दूध, और नारियल का दूध, तिल का दूध, अलग अलग तरह के दूध पी सकते हैं। लेकिन जो पैकेट वाला दूध है वो हमारी सेहत के लिए नहीं है। और जिनका पहले ही वजन ज़्यादा है, पहले ही हाई ब्लड प्रेशर है, उनको नारियल का दूध भी नहीं पीना, उनको नारियल का पानी पीना है। दूध के लिए अगर बोलने लग जाऊं पूरा टाइम दूध पे ही निकल जाएगा, अब इतना ही समझें। इसके बाद अगर फिर भी कुछ मन में शंका हो, मेरी पुस्तकें आपको उपलब्ध हैं, पुस्तकों के माध्यम से पूरी जानकारी लीजिए। प्रश्न है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। सबसे पहले मूल कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस क्यों हुआ, कि अल्केलाइन डाइट ना मिलने की वजह से हमें हड्डियों संबंधी रोग होते हैं, चाहे वो कमर का रोग हो, चाहे घुटने का हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो, किसी भी किस्म का रोग हो इस तरह का। तो हम जैसे पौधे को पानी ना मिलने की वजह से उसकी टहनियाँ अकड़ जाती हैं, ऐसे ही हमें अल्केलाइन डाइट ना मिलने की वजह से हमारी हड्डियाँ अकड़ जाती हैं। और अगर हम कमर से गलत प्रयोग करते हैं, वजन ज़्यादा होता है, रीढ़ की हड्डी को हमारे शरीर को सीधा रखने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उस हालत में भी हमें कमर के संबंधित रोग हो जाते हैं। अब बार बार इस प्रश्न को मत लाना, चाहे घुटनों के दर्द, कमर का दर्द और गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का दर्द, ये सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। जो बात अब इसका उत्तर दूंगा,
सबसे पहले हमें ये हड्डियों से संबंधित रोग क्यों होते हैं? हम जो खाते हैं उसको हाजम करने के लिए हमारे शरीर में से एक पाचक रस निकलता है जिसको कहते हैं सोडियम। एक प्राण शक्ति है, हम जब जन्म लेते हैं जन्म के साथ हमें प्राण शक्ति का एक कोटा मिलता है, भंडार मिलता है। जैसे हम मोबाइल फोन की नई बैटरी खरीद के लाते हैं या घर में इन्वर्टर की नई बैटरी लाते हैं, उस बैटरी को हम संभल के इस्तेमाल करते हैं, उसकी शक्ति को बढ़ा नहीं सकते, बैटरी की शक्ति को हम बढ़ा नहीं सकते, बचा सकते हैं। ऐसे ही प्राण शक्ति जो हमें कोटा मिला उसको हम बढ़ा नहीं सकते, बचा सकते हैं। वो जो प्राण शक्ति का भंडार मिला उसमें से रोज एक अंश हमें एक दिन के लिए मिलता है, उसको दिन भर इस्तेमाल करते हैं, शाम को जब थक जाते हैं फिर मोबाइल फोन की तरह बैटरी को दोबारा चार्ज करते हैं, अगले दिन फिर तरोताजा हो जाते हैं। जीवन भर ये चक्कर चलता है और इसी प्राण शक्ति के माध्यम से शरीर के सारे काम चलते हैं, चाहे वो रोग को ठीक करने का काम हो, चाहे दौड़ भाग करने का काम हो, चाहे सोच विचार करने का काम हो, चाहे भोजन को हाजम करने का काम हो, चाहे रोग को ठीक करने का काम हो। जैसे हमारे घर की इन्वर्टर की बैटरी जैसे जैसे पुरानी होती जाती है वैसे वैसे उसके चार्ज होने की क्षमता कम होती जाती है, उससे काम कम बनते हैं, ऐसे ही जैसे जैसे हमारा शरीर पुराना होता जाता है इस शरीर के चार्ज होने की क्षमता कम होती जाती है और इसके द्वारा जो काम बनते हैं वो भी कम होते चले जाते हैं। छोटी उम्र में हाजमे का काम बढ़िया होता है, बड़ी उम्र में नहीं होता। छोटी उम्र में सोच विचार दौड़ भाग ज़्यादा होती है, बड़ी उम्र में नहीं होती। और बच्चे की हड्डी टूट जाए तो जल्दी जुड़ जाती है, बुजुर्ग की टूटे तो समय अधिक लगता है, मतलब समय के साथ प्राण शक्ति कम होती है। इस प्राण शक्ति को संभाल के रखना है। जैसे हमारे घर के अंदर व्यापार के अंदर बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है कई पीढ़ियों तक भी, फिर भी पैसे को बचाते हैं। शरीर में हम प्राण शक्ति को संभाल के नहीं रखते। छोटी उम्र में प्राण शक्ति भरपूर मात्रा में होती है नौजवान बच्चों में, वो हमारे सामने दो समोसे खा जाते हैं उनको कुछ नहीं होता, हम आधा भी खाते हैं तो खट्टे डकार लेने लग जाते हैं, पेट को अफारा आ जाता है, उनमें अभी पचाने की शक्ति है, कहते हैं इसकी तो उम्र है इसको तो खाने दो। पैसे वाले को ये नहीं कहते इसके पास तो बहुत पैसा है इसको तो आग लगाने दो, पैसा पूरा खत्म हो जाएगा, दिवाला निकल जाएगा, फिर बचत करेंगे, ऐसा नहीं करते। प्राण शक्ति जब सारी खत्म हो जाएगी, जब एक दर्जन रोग लग जाएंगे फिर कहेंगे आ जाओ प्राकृतिक चिकित्सा वालों के पास, सारे जवाब दे गए, ऐसा ना करें। तो छोटी उम्र में हम गलतियां करते जाते हैं, उसको हाजम करने के लिए हमारा शरीर सोडियम देता रहता है जो हमारे अमाशय में भरपूर मात्रा में होता है। अब जब अमाशय के पास वो खत्म हो गया, घर में पैसे खत्म हो गए, तो क्या करेंगे? पड़ोसी से या किसी मित्र से उधारे लेंगे। अमाशय के पास जब सोडियम खत्म हो गया 20-30 साल की गलतियों की वजह से, तो वो फिर हमारी हड्डियों में से निकाल लेता है, हमारे घुटनों में से निकाल लेता है, हमारी गर्दन में से निकाल लेता है, कमर में से निकाल लेता है। हड्डियों में से सोडियम निकलते ही वहां पर जो कैल्शियम पड़ा है वो हार्ड अवस्था में आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि कैल्शिफिकेशन ऑफ बोन्स हो गया, मतलब हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई। मैं कहता हूं कैल्शियम की कमी नहीं हुई, कैल्शियम सख्त अवस्था में आ गया। आप खाओ कैल्शियम की गोलियां 20 साल तक, कोई एक व्यक्ति घुटनों के दर्द वाला हाथ खड़ा करके बोल ले कि मैंने कैल्शियम की गोलियां खाई और मेरा कैल्शियम पूरा हो गया, चाहे वो 2 साल से खा रहा हो, चाहे वो 4 साल से खा रहा हो, चाहे वो 20 साल से खा रहा हो, किसी का कैल्शियम पूरा नहीं होता। कहां गड़बड़ है? या तो गोलियों में कैल्शियम नहीं है, और जहां कैल्शियम की कमी नहीं कोई और बात है, आप निर्णय लीजिए। तो किसी का कैल्शियम पूरा नहीं होता, हम कहते हैं कैल्शिफिकेशन ऑफ बोन्स, कैल्शियम की कमी नहीं हुई, कैल्शियम हार्ड अवस्था में आ गया, उसको तरल अवस्था में लाओ। वहां ग्रीस खत्म नहीं हुई, वो हड्डियां घिसी नहीं है, उसको बदलवाने की घुटनों की जरूरत नहीं है। किसी के ग्रीस के कैप्सूल खाने के बाद ग्रीस पूरी हो गई हो तो हाथ खड़ा करें,
नहीं होती, सारी उम्र खाते रहो, हुआ क्या, हम क्या करेंगे? हम वो सारे पदार्थ खाने के लिए बंद कर देंगे जिनके लिए सोडियम की जरूरत पड़ती है, दालें, पनीर, चीनी, मिठाई, गरिष्ठ भोजन, पराठा, पूरी, सब बंद कर देंगे। क्या खिलाएंगे? जिनके अंदर सोडियम भरपूर मात्रा में है, एल्केलाइन डाइट, सफेद पेठे का रस, केले का डंडा, नारियल पानी, कच्ची सब्जियां, सलाद, खरबूजा, तरबूज, बग्गू गोशा, मनाशपाती, जामुन, इस तरह के पदार्थ खिलाएंगे तो फिर क्या होगा? पहले अमाशय अपना सोडियम पूरा करेगा, 2-3 महीने में भाग जाते हैं हमारे पास आके लोग, कहते हैं घुटनों का दर्द तो ठीक नहीं हुआ, इनके पास कुछ नहीं है। क्यों भाई? घर में पैसे पूरे होंगे, बच्चे खाना खाएंगे, अपना पेट भरेगा, तो जिससे उधार लिया है उसको वापिस करने की सोचेंगे। 2-3 महीने में अमाशय अपना ही घर पूरा करता है, उसके बाद वो घुटनों को अपना सोडियम वापस करेगा, फिर वहां जो सख्त अवस्था में कैल्शियम हुआ पड़ गया था वो वापस तरल अवस्था में आ जाएगा, आपके घुटनों की ग्रीस पूरी हो जाएगी, आपका कैल्शियम पूरा हो जाएगा, आप जो आर्थराइटिस के रोगी जिनको चार चार दो दो व्यक्ति पकड़ के बाथरूम तक लेकर जाते हैं, वो चार चार मंजिल तक लिफ्ट का इंतजार नहीं करेगा, अपने आप चढ़ेगा। अगर किसी को ज्यादा दर्द हो रहा हो घुटनों में या कहीं भी कमर में या गर्दन में, अगर सहनीय दर्द हो तो ठंडी पत्ती रखें। मेडिकल में जो गर्म पट्टी दी जाती है उससे नर्वस सिस्टम कमजोर होता है, जो हम ठंडी पट्टी लगाते हैं इससे नर्वस सिस्टम टोनअप होता है। अगर हम ठंडे पानी से नहाएंगे तो नर्वस सिस्टम टोनअप होता है, हमें खुद महसूस होता है, नहा के देखिए। सर्दियों में भी जब हम नहाते हैं एक दफा पानी ठंडा लगता है, बाद में फिर शरीर में से गर्मी निकलती है, नर्वस सिस्टम टोनअप होता है। गर्म पानी से नहाने से नर्वस सिस्टम कमजोर होता है, तो हम गर्म पट्टी नहीं बताते। क्यों? हमने फीस नहीं लेनी, आपको तुरंत आराम नहीं देना, थोड़ा समय लगेगा, बोलेंगे कोई माने कोई ना माने, फीस लेनी है तो गर्म पट्टी लगा दीजिए, जल्दी ठीक हो जाएगा, बाद में जो मर्जी। ठंडी पट्टी लगाएं, अगर दर्द इतना हो कि बर्दाश्त ही ना हो तो गर्म ठंडी बदल बदल के लगाएं, अल्टरनेट, दो बर्तनों में पानी लें। इसीलिए पट्टियों के सेट के अंदर हम दो पट्टियां देते हैं, एक में गर्म एक में ठंडा। गर्म पानी की पट्टी से शुरू करें 1.5 मिनट, ठंडे पानी की पट्टी आधा मिनट, इस तरीके से बदल बदल के पट्टियां लगाएं। अब क्वेश्चन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, इसके लिए एक एक्सरसाइज होती है, वो सभी को सीखनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। एक हाथ यहां रखें, एक हाथ यहां रखें, ऐसे करें, एक दो दफा ही बताऊंगा, आप 10-12 दफा करें, ऐसे करें, विपरीत प्रेशर, ऐसे करें, ऐसे करें, ये करें, ये करें, ये करें। सारी याद ना रहे तो जो याद रह जाए, जितनी रह जाए उतनी करें, ना समझ में आए दोबारा से आए और समझें, हमारी टीम से समझें। 10 मिनट सुबह शाम करेंगे तुरंत आराम मिलेगा। सर्वाइकल के लिए कहीं जाएंगे, आम तौर पे कुछ लोग बता देते हैं ये वाली एक्सरसाइज करें, ये वाली एक्सरसाइज अगर सर्वाइकल वाले करेंगे तो उनका दर्द और बढ़ जाएगा। हाँ, अगर ये वाली एक्सरसाइज जीवन भर करते रहेंगे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस नहीं होगा, ये वाली घुमाने वाली, लेकिन करने के बाद करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो प्रश्न है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, इलाज एक रोग अनेक, इलाज एक ही है, घूम फिर के मैं यही आऊंगा कि सुबह उठ के पेठे का रस पियो, 2 घंटे बाद कच्चे सलाद खाओ, दोपहर में उबली हुई सब्जी की और रोटी खाओ, शाम को 4 बजे नारियल पानी पियो, रात को फल खाओ, नहीं काम चलता 2 दफा अनाज खाओ, पेट की पट्टी लगाओ, प्राणायाम करो, कब्ज हो तो अनीमा लो और टब में लेट, मेरे को जितना मर्जी घुमा लो। आपकी तसल्ली के लिए ये कहानियां सुना दूंगा कि रोग क्यों हुआ और कैसे ठीक होगा, ये भी सुना दूंगा, लेकिन करना यही है, शंका नहीं रखना। आज का हमारा विषय है शंका समाधान, प्राकृतिक चिकित्सा का पालन करने वाले के अंदर मन में किसी किस्म का शंका या भ्रम नहीं होना चाहिए, पहले अपनी शंका का समाधान कीजिए। समाज में प्राकृतिक जीवन पद्धति के नियम में जागरूकता लाने के
जो अथक प्रयास कर रहे हैं शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। खान पान के पदार्थ, व्यायाम, प्राणायाम आदि मैं सुबह 5 बजे से रात्रि सोने तक ऐसा टाइम टेबल दिया है जिसे वर्तमान में मानव को संघर्ष में जीवन बिताना पड़ रहा है, वह कैसे इन नियमों का पालन कर पाएगा, यह एक बड़ी उलझन दिमाग में है। आज पति पत्नी दोनों कार्यरत हैं, जब बिजनेस 12-14 घंटे कड़ी मेहनत करके परिवार का गुजारा करते हैं, एम समाज में स्टेटस भी कायम करना पड़ता है, कहाँ से और कब ताजी फल सब्जियाँ, बेलपत्र, कड़ी पत्ता और अन्य कोई चीज़ें ढूंढने जाएंगे, कितना समय लगेगा और कैसे नियमों का पालन करेंगे समझ में नहीं आता। इस उलझन का सुलझन मिल जाए तो प्रकृति की तरफ बढ़ने में हमें सहायता मिलेगी। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत विशाल प्रश्न है, इसमें एक एक करके आज और कल में इसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा कि इतनी उलझन नहीं है जितनी लग रही है। किसी चीज़ के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम है आदर्श बोलना, जो सबसे जल्दी प्रभावशाली चीज़ है उसके बारे में बोलूँगा। पेठा, केले का डंडा, कड़ी पत्ता, बेल पत्ता, नारियल पानी, ये सब चीज़ें अच्छा प्रभाव डालती हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बोलता हूँ। लेकिन आपने एक सूत्र पकड़ना है ये पूरे प्रोग्राम में से। वो सूत्र क्या है? एल्केलाइन डाइट। पेट के अंदर ऐसा प्रबंध करना है जो पानी के माध्यम से पृथ्वी के समस्त पोषण तत्व शरीर को मिलें, वो मिलेंगे फल और सब्जियों से। जो भी आपको फल और सब्जी उपलब्ध हो, जिस अवस्था में आप उसको खा सकते हैं, जैसे भी खा सकते हैं उसको खाएं। हमारे प्रोग्राम एक ही जगह नहीं होते, राजस्थान में हुए, वहाँ पर एक जगह है चूरू, एक जगह है देशनोक, वहाँ हम गए, कहने लगे यहाँ तो नारियल पानी नहीं मिलता। जब हम रोड पर जा रहे थे जंगल में, एकदम रेत ही रेत, तो कुछ जगह लोग कुछ इकट्ठे हो रहे थे, खाने पीने वाली चीज़ मिल रही थी, हमने देखा तो वहाँ पर मतीरा मिल रहा था। तो मतीरा जब हमने काटा बीच में से, तरबूज की तरह उसके दो हिस्से हो गए, उसको चम्मच से खाया, मलाई सी उसकी, जैसे जैसे चम्मच से खाते गए उसके अंदर पानी भरता गया। जितना एक नारियल से पानी निकलता है, इससे 1.5 गुना ज़्यादा एक मतीरे में से हमने पानी को पिया। वहाँ के प्रोग्राम में जाके मैंने बोला कि आपका यही नारियल पानी है। मतलब क्या कि आप सूत्र को पकड़ें, कच्ची सब्जियाँ और फल, इसके अंदर अपनी डाइट को एडजस्ट करें, और अगर किसी को कोई उलझन लगेगी, आगे जैसे जैसे अभी प्रोग्राम हमारा चल रहा है, इसी के माध्यम से मैं अपनी आपकी बात को स्पष्ट कर दूँगा।